हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीडी स्टडीज़। तो आज के वीडियो में हम बीए सेमेस्टर 1 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है आर डैम्स द टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि लिखा है अरुंधति रॉय ने। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द 50 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस आफ्टर नेहरूज फेमस डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पीच वन ही ग्रू टू रिग्रेट इन हिज ओन लाइफ टाइम। His foot soldiers threw themselves into the business of building dams with unnatural fervor. तो यहाँ पर बात हो रही है कि 50 साल पहले, जो हमारे इंडिपेंडेंस के 50 साल पहले, नेहरू ने अपनी एक बहुत फेमस स्पीच में कहा, जिसका नाम था डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उसमें हमें ये बताया गया कि डैम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मॉडर्न इंडिया के लिए। और उनकी इस बात को सुनते ही जो उनके फॉलो करने वाले लोग थे, जिनको यहाँ पर पैदल सैनिक कहा गया है, उन्होंने बांध बनाने का जो काम है वो बहुत ही जोरों शोरों से शुरू कर दिया। डैम्स बिल्डिंग ग्रू टू बी इक्वेटेड विद नेशन बिल्डिंग। और यहाँ पर जो डैम्स की बिल्डिंग, मतलब डैम्स के बनाने को ये कहा गया कि डैम्स जो हम बना रहे हैं वो अपने नेशन की बिल्डिंग में हेल्प करेगा, हमारे नेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दर्शाएगा। देयर एंथुसियाज्म अलोन शुड हैव बीन रीजन इनफ टू मेक वन सस्पिशियस। जो डैम्स बनाने वाले लोगों का जो जोश था, वो जोश मात्र से ही इस बात का पर्याप्त कारण बन आता था कि व्यक्ति को संदेह होने लगे। अब हम सबको ही पता है कि जब डैम्स बनते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में कंस्ट्रक्शन होती है और बहुत ज़्यादा एरिया की भी ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर भी रिवर बह रही होती है वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं मोस्टली, और उन्हें खाली कराना पड़ता है ताकि वहाँ पर डैम बनाया जा सके। तो उसी के लिए आगे लिखा हुआ है, नॉट ओनली डिड दे बिल्ड न्यू डैम्स एंड न्यू इरीगेशन सिस्टम्स, दे टुक कंट्रोल ऑफ स्मॉल ट्रेडिशनल सिस्टम्स दैट विलेज कम्युनिटीज हैड मैनेज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड अलाउड डैम टू एट्रॉफी। तो यहाँ पर वो कह रहे कि उन्होंने सिर्फ डैम्स ही नहीं बनाए, न्यू इरीगेशन सिस्टम्स ही नहीं बनाया उन्होंने, उन्होंने उस जगह का कंट्रोल भी अपने अंडर ले लिया। ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो कि विलेज कम्युनिटीज़ इतने सालों से चलाते आ रहे थे, थाउजेंड ऑफ ईयर्स से जो प्रणालियाँ चलती जा रही थी, उन्होंने उन सबको ख़त्म कर दिया और उसे ख़राब होने के लिए छोड़ दिया। टू कंपनसेट द लॉस द गवर्नमेंट बिल्ट मोर एंड मोर डैम्स। और वो जो परंपरागत प्रणालियाँ उन्होंने ख़राब की, एरिया ख़राब किया, जो जगह से लोगों को हटाया गया, उसके कंपनसेशन में उन्होंने क्या किया, उनके कंपनसेशन में उन्होंने और डैम्स बनाए। बिग वंस, लिटिल वंस, टोल वंस, शॉर्ट वन, बड़े छोटे सभी प्रकार के डैम्स बनाए। द रिजल्ट ऑफ इट्स एग्जर्शंस इज दैट इंडिया नाउ बोस्ट ऑफ द बींग वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर। तो ये जो बड़े छोटे ऊंचे बांध बनाए, इतना अत्यधिक थका दिया इनके प्रयासों ने, जिसका क्या परिणाम हुआ कि भारत अब संसार का तीसरा सबसे बड़ा बांध बनाने वाला देश बन चुका है। तो हमारी जो इंडिया का कंट्री है वो थर्ड है पूरे वर्ल्ड में डैम्स बनाने में। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन वी हैव 3,600 डैम्स दैट क्वालिफाई एज बिग डैम्स, 3,300 ऑफ दैम बिल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि हमारे इंडिया में 3,600 ऐसे डैम्स हैं जिन्हें हम बिग डैम्स कह सकते हैं, और इन 3,600 डैम्स में से 3,300 डैम जो हैं वो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए थे। सम 1,000 मोर आर अंडर कंस्ट्रक्शन। और इसके अलावा भी 1,000 और बड़े डैम्स अभी भी कंस्ट्रक्शन में हैं, जिन्हें हमारी सरकार बना रही है। येट 1/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन, 2,000 मिलियन पीपल डज नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड 2/3, 600 मिलियन लैक बेसिक सैनिटेशन। और यहाँ पर कहा गया है कि हमारे इंडिया में इतने सारे डैम्स बनाए गए और अभी भी बन रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश की पॉपुलेशन का 1/5 जो पार्ट है, जो कि 200 मिलियन लोग हैं, उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और जो 2/3 पार्ट है, जो कि 600 मिलियन पीपल है, उनके पास बेसिक सैनिटेशन नहीं है, मतलब कि सफाई की व्यवस्था नहीं है। बिग डैम स्टार्टेड वेल बट हैव एंडेड बैडली। तो यहाँ पर कहा गया कि बिग जो डैम्स थे वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से हमें पेश किए गए कि हमारे इंडिया को इतना नेशन बिल्डिंग में काम करेगा, हमारे लोगों के लिए पानी होगा, सब कुछ होगा, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होगी, लेकिन एंड में हमें क्या देखने को मिला कि ये बिल्कुल पूरी तरह से
एक फेलियर निकला है जो कि हमारे देश को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है। देर वॉज अ टाइम वेन एवरीबडी लव दैम, एक समय था जब सबको ये जो डैम्स की बात थी ये अच्छी लगती थी कि हमारे देश का विकास हो रहा है। एवरीबडी हैड दैम, द कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, सभी इसके फेवर में थे कि हाँ इंडिया में डैम्स बनने चाहिए, जिसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कम्युनिस्ट, जिसे हम साम्यवादी कहते हैं, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, क्रिश्चियंस मतलब कि जो ईसाई होते हैं वो, मुस्लिम्स, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी इसके फेवर में थे। देयर वॉज अ टाइम वेन बिग डैम्स मूव्ड मैन टू पोइट्री, और एक टाइम था कि लोग इतने ज़्यादा प्रभावित थे इन डैम से कि वो उसके भाव को, अपने भाव को एक्सप्लेन करने के लिए वो उस पर पोइट्री भी लिख देते थे, कि इतना ज़्यादा क्रेज था डैम्स का। नॉट एनी लॉन्गर, बट अब ऐसा नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ मूवमेंट ग्रोइंग अगेंस्ट बिग डैम्स, और पूरे विश्व में एक मूवमेंट अगेंस्ट जा रही है डैम्स बनाने की, कि भाई डैम्स को नहीं बनाना चाहिए। इन द फाइव फर्स्ट वर्ल्ड दे आर बींग डी कमीशन, फर्स्ट वर्ल्ड दे आर बींग डी कमीशन ब्लॉन अप। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि संसार के समृद्ध देश जो हैं जैसे अमेरिका, रशिया, यहाँ पर सरकारी रूप से समाप्त किया जा रहा है डैम्स को, उन्हें उड़ाया जा रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स कर रही है कि आगे से कोई भी डैम नहीं बनेंगे और जितने हुए हैं उनकी कार्यवाही वहीं पर रोक दी जाए। तो वहाँ पर बिल्कुल भी डैम्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। द फैक्ट दैट दे डू मोर हार्म देन गुड इज़ नो लॉन्गर जस्ट कंजेक्चर। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये तथ्य है कि वे लाभ की उपेक्षा हानि अधिक पहुँचा रहे हैं, मात्र कोई अटकल नहीं रह गया है। तो अब लोगों को समझ आ रहा है कि जो डैम्स है वो हमें फ़ायदा पहुँचाने की जगह हमारे नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जगह का भी इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में भी इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है कि डैम्स हमें इतना कोई फ़ायदा कर नहीं पा रहे हैं। दे आर अनडेमोक्रेटिक, ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी को भी बढ़ावा नहीं दे रहे क्योंकि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। दे आर अ गवर्नमेंट वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग अथॉरिटी, डिसाइडिंग हु विल गेट हाउ मच वाटर, एंड दे आर गवर्नमेंट्स वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग अथॉरिटी, डिसाइडिंग हु विल गेट हाउ मच वाटर एंड हु विल ग्रो व्हाट एंड वेयर। हमने पहली लाइन में बात की कि जो डैम्स हैं वो अनडेमोक्रेटिक है, उसे ही आगे एक्सप्लेन किया गया कि डैम्स अनडेमोक्रेटिक कैसे हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि डैम्स अनडेमोक्रेटिक ऐसे हैं कि जो सारी अथॉरिटी है गवर्नमेंट के पास है, कि गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर डैम बनेगा तो वहाँ से लोगों की जगह खाली करा दी जाएगी, उनको अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, उनको अपने खेत खलिहान सब कुछ छोड़ के वहाँ से जाना पड़ेगा, और इससे गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी, वो डिसाइड करेगा कि अब लैंड पर कौन रहेगा, कौन वहाँ पर खेती करेगा या नहीं, लोग अपनी ज़मीन पर रह सकते हैं या नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, जिनसे उनके राइट्स ले लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। दे आर अ ब्रेजन मीन्स ऑफ टेकिंग वाटर, लैंड एंड इरीगेशन अवे फ्रॉम द पुअर एंड गिफ्टिंग इट टू द रिच। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही निर्लज्जतापूर्ण, या फिर हम कहें कि बिना शर्म का डिसीजन होता है, जिसमें उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, गरीबों का पानी, ज़मीन, उनके इरीगेशन के मतलब कि सिंचाई करने के तरीकों को छीन के, और उन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिच पीपल को, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा धनी है, उन्हें दे देते हैं कि तुम डैम बनाओ और पैसा कमाओ। लेकिन जो पुअर लोग हैं, जिनके पास सिर्फ वो ज़मीन थी रहने के लिए, खाने के लिए, उनसे वो तक छीन ली जाती है और उन्हें शर्म तक नहीं आती। देयर रिजर्वॉयर्स डिस्प्लेज ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ पीपल, लीविंग देम होमलेस एंड डेस्टिट्यूट। तो उनकी ये जो डैम्स हैं ये लोगों को भारी संख्या में विस्थापित कर देते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह उन्हें ज़बरदस्ती मूव करना पड़ता है, तथा उन्हें बेघर और बेसहारा बना देते हैं। अब उन्हें मूव करना पड़ेगा तो वो बेघर तो अपने आप ही हो जाएंगे, और कोई फिर उनकी हेल्प भी नहीं करेगा तो वो बेसहारा भी हो जाते हैं। इकोलॉजिकली दे आर इन द डॉग हाउस। तो कह रही है पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये अब एक अपमान का चिन्ह होते जा रहे हैं। दे ले टू अर्थ टू वेस्ट, तो ये धरती को भी नष्ट करते जा रहे हैं। दे कॉज फ्लड्स, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, दे स्प्रेड डिजीज। तो कह रहे कि डैम्स की वजह से बाढ़ आती है, पानी रुक जाता है, लवणता बढ़ जाती है और बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। देयर इज अ माउंटिंग एविडेंस दैट लिंक्स बिग डैम्स टू अर्थक्वेक्स। और हमें बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिले हैं, ऐसे एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े डैम्स की वजह से अर्थक्वेक आने के भी खतरे हैं, और बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस भी मिले हैं कि जो बड़े बड़े भूकंप आए वहाँ पर कहीं ना कहीं डैम्स का एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से वो भूकंप आए।
Big dams haven't really lived up to their roles as the monuments of modern civilization, emblems of man's ascendancy over nature. तो वो कह रहे कि जो बिग डैम्स हैं उनका जो काम उन्होंने बताया गया था कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि ये दर्शाएंगे कि आदमी का अधिकार है नेचर के ऊपर और वो उसे यूज़ कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए. लेकिन यहाँ पर डैम्स बिल्कुल अच्छी तरह से हमें फेल होते हुए दिखाए गए हैं. मॉन्यूमेंट्स आर सपोज टू बी टाइमलेस. तो ये कह रहे कि मॉन्यूमेंट्स तो हमेशा कायम रहने वाली चीज़ों में माने जाते हैं कि वो कभी ख़राब नहीं होंगे, वो कभी समय के साथ नष्ट नहीं हो जाएंगे. बट डैम्स हैव एन ऑल टू फाइनाइट लाइफ टाइम. बट डैम्स का तो हमने देखा कि एक निश्चित ही समय काल है. दे लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज इट टेक्स नेचर टू फिल दैम विद सिल्ट. सिल्ट होती है गाद, जो पानी के साथ मिट्टी आती है उसको हम सिल्ट कहते हैं. तो कह रहे कि डैम सिर्फ उतनी ही देर टिक पाता है जितनी देर हमारा नेचर उसे उस सिल्ट से भर नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर पूरे मिट्टी मिट्टी हो जाएगी इतने सारे पानी की, तो वहाँ पर पानी कम स्टोर हो पाएगा जिसकी वजह से डैम्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे. इट इज़ कॉमन नॉलेज नाउ दैट बिग डैम्स डू द अपोजिट ऑफ व्हाट देयर पब्लिसिटी पीपल से टू डू. द लोकल पेन फॉर नेशनल गेन मिथ हैज़ बीन ब्लोन वाइड ओपन. तो ये कह रहे कि अब ये हम समझ सकते हैं कि जो बड़े डैम्स का जो काम था, डैम्स उसके बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं, और जो उनको फेमस कर रहे थे, जो उनकी पब्लिसिटी कर रहे थे, उन लोगों की भी बात कि राष्ट्रीय लाभ के लिए थोड़ी सी हमें पीड़ा तो हम सहन कर ही सकते हैं, वो अब झूठी साबित हो रही है. फॉर ऑल दीज रीजंस द डैम बिल्डिंग इंडस्ट्री इन द फर्स्ट वर्ल्ड इज इन ट्रबल एंड आउट ऑफ वर्क. तो जो बड़े बड़े जो समृद्ध देश थे वहाँ पर जो डैम्स बनाने की कंपनीज थी वो अब मुसीबत में आ चुकी है और उनका काम अब बंद होता जा रहा है. सो इट इज़ एक्सपोर्टेड टू द थर्ड वर्ल्ड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एड अलॉन्ग विद देयर अदर वेस्ट लाइक ओल्ड वेपन्स, सुपरनरेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड बैंड पेस्टिसाइड्स. तो वो कह रहे कि वहाँ पर तो उनका काम ख़त्म हो गया है, तो अब ये हमारे कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर इसको भेजा जा रहा है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे डैम्स के थ्रू. लेकिन ये सब वो अपना वेस्ट हमारी कंट्री को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिससे हमारी कंट्री का तो नुकसान हो रहा है और उनकी कंट्री को फिर भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उन्हें यहाँ पर काम मिल रहा है. और सिर्फ डैम्स ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे अदर वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे कि उनके पुराने हथियार ओल्ड वेपन्स, सुपर एनोटेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड बैंड पेस्टिसाइड्स, तो विमानवाहक और प्रतिबंधित कीटनाशक जिनका कोई यूज़ नहीं है उनके डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को दे रहे हैं, जिससे हमारा देश कोई आबाद नहीं हो रहा है, वो ख़राब भी हो रहा है, और हमारे साथ में बहुत सारे रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, लोग भी परेशान हो रहे हैं, और साथ में ही बहुत सारा खर्चा भी हो रहा है. तो यहाँ पर हमारे लेसन की समरी ख़त्म हो गई है. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर आर डैम्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया ख़त्म होता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.